अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेन यूज कहाँ पर होता है? इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इट यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर आप डेटाबेस में मिनिमम रिडंडेंसी चाहते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, टेबल्स को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो उस केस में आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हो डेटाबेस पे। तो इट इज़ यूज टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज़ करके ही नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर पाते हैं डेटाबेस से। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, देन वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई, एक्स में वैल्यूज हैं ए और बी, वाई में वैल्यूज हैं वन एंड टू। अगर एक्स की वैल्यू की हेल्प से अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाती हूँ तो इसका मतलब है कि वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। अगर मैं कह रही हूँ एक्स की वैल्यू ए है तो ए के वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यू वन ही मिले, एक टपल और होता ए और उसके करस्पॉन्डिंग वन होती। तो जब भी एक्स की वैल्यू ए होगी आपको वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? वन। चाहे यहाँ पर 100 टाइम्स ए लिखा हुआ होगा तो उसकी x की वैल्यू अगर a है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो y को डिटरमाइन कर सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू 1 भी है और यहाँ पर a है तो y की वैल्यू 2 है, यानी a के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज हैं। तो y इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। आप x की हेल्प से y को नहीं डिटरमाइन कर सकते हो इस केस में, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अगर आपको x के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिल रही होगी तो जो है x y को डिटरमाइन कर सकता है। हमने क्या कहा है कि इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, देन y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो हर वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग आपको y की सिंगल वैल्यू ही मिल रही है तो इसका मतलब है y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x है। अगर आपको x के करस्पॉन्डिंग y की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होगा x पर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को? x डिटरमाइन y। x जो है वो डिटरमिनेंट है, इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं, और y जो है वो डिपेंडेंट है, यानी एक्स पे वो डिपेंडेंट है इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। रीड कैसे करते हैं? एक्स डिटरमाइंस वाई। अगर आप ऐसे रीड कर रहे हो लेफ्ट टू राइट तो एक्स डिटरमाइंस वाई, एक्स जो है वाई को डिटरमाइन कर सकता है। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में इसको रीड कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी की? एट्रीब्यूट वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन एट्रीब्यूट एक्स और ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट इफ ए वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइंस ए सिंगल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट वाई एट एनी वन टाइम। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि वाई को कब हम कहेंगे कि वो एक्स पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। एक्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट को मिला के अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो तो भी y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है इन दोनों एट्रीब्यूट्स पे। तो x जो है वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। तो कब हम y कहेंगे कि y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट x पे? अगर आप x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू आपको y की मिलती है तो आप क्या कहोगे कि y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है x पे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x कब होगा, यानी इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होगी? इफ टी वन एक्स इक्वल टू टी टू एक्स, टप्पल वन और टप्पल टू की x वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू x वैल्यू क्या है? a और a। तो उस केस में आपको y की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए? सेम। तो टी वन वाई और टी टू वाई भी सेम होना चाहिए। अगर x की वैल्यू a है टी वन टप्पल में और टी टू टप्पल में भी उसकी वैल्यू ए है तो आपको उसकी वाई की वैल्यू भी सेम मिलनी चाहिए। अगर टप्पल वन में उसकी वैल्यू वन है तो टप्पल टू में भी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा केस है तो हम क्या कहेंगे? वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स।
अगर ऐसा होता यहाँ पर ए होता और यहाँ पर वाई की वैल्यू 2 होती तो ये वाई जो है फंक्शनली डिपेंडेंट एक्स पे नहीं होगा, क्योंकि t1 में y की वैल्यू 1 है और यहाँ पर t2 में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो दोनों ही ये केस क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर y की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए टपल्स में, तब हम कहेंगे कि y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है x पे। तो इन फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y, फॉर ए वैल्यू ऑफ x यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y यूनिकली। तो यूनिक वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज वाई की नहीं डिटरमाइन होनी चाहिए एक्स से।